नजर आ रहे हैं, बट दूसरी तरफ से आइकू सोल वो भी अब इस पार्टी में शामिल हो जाएगी और उनके पीछे से ग्लिच एक्स रिबॉर्न, वो पीछे क्यों हटे, वो भी चाहते हैं इस थर्ड पार्टी में शामिल होना। चलिए चार फिनिशर्स जो टीम आइकू सोल ऑलरेडी निकाल चुके, एक बढ़िया पोजीशनिंग हमें उनके पास भी देखने को मिलती है और ये कि माफिया को कितनी जल्दी वो स्पॉट कर सकते हैं। हालांकि डैमेज आया पीछे से आइडियस के प्लेयर से जो जोन के बाहर से शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक वो भी सर्वाइव नहीं करेंगे और आप कह सकते हैं थैंक यू बोला होगा टीम आइकू सोल ने उस एक फिनिश के लिए। और ऐसे में बेहतर ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है अभी के लिए, तो टीम की तरफ से उनको कह सकते हैं टीम की वजह से उनको थोड़ा सा अच्छा कवर मिला था, लेकिन अभी के लिए रोरिको को यहाँ पर समाप्त किया जाएगा, ईवल का भी समापन, एक्सट्रीम गॉड लाइक अब उनको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। टीम आइकू सोल उन्होंने थोड़ा रश किया, टीम इनसेन की मुश्किलें वो बढ़ाते हुए नजर आए, लेकिन अब वो जो पलटवार है वो देखने को मिलेगा। सेम उन्होंने रोनी को डाउन किया और वो जोन के बाहर से शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं, नकुल को भी उन्होंने स्पॉट किया जरूर है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो अभी के लिए आइकू सोल पे हावी होने के लिए पूरी तरीके से तैयार, वो एक ग्रेनेड जाएगा जोनाथन का बहुत ज्यादा नजदीक, लेकिन वो नॉक अभी तक आया नहीं है और रिवाइवल वो बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट हुए, बांध दिया के ऊपर वो ग्रेनेड आता वो नजर आएगा। टीम ड्रैगन्स के आईडी उनको भी डाउन किया गया और टीम आइकू सोल वो एक सैंडविच सिचुएशन में फंसते हुए नजर आएंगे। निंजा यहां पर अभी के लिए अकेले इकलौते खिलाड़ी बचते नजर आ, लेकिन टीम ड्रैगन्स ने पूरे के पूरे उनके खिलाड़ियों को समाप्त क्षण में है। एक तरफ टीम आइकू सोल ऐसी चीज की चर्चा कर भी रहा था, आईडीएस वो यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी वहां पर टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक देखने को मिल जाएंगे। एडमिन उन्होंने वो नॉक निकाला और MVP टीम INS के K47 उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है और अब INS का यहां से बच के निकल पाना इम्पॉसिबल। एडमिनों का वो ग्रेनेड घोस्टी वो डाउन करे गए और बचे हुए जो खिलाड़ी है मान्या उन्होंने कहा भाई आइए जरा हम भी थोड़ा योगदान देते हैं, वो वहां पर नॉक करेंगे और अब टीम INS उनके बचते हैं मात्र एक खिलाड़ी जोनाथन, वो इस फाइट के लिए तैयार। आइकू सोल के खिलाड़ी आए तो सही पर नकल उनका एक ग्रेनेड जोनाथन डाउन करेंगे, घोस्टी जो नॉक पड़े हुए थे वो भी समाप्त, अद्वे वो आखिरी खिलाड़ी जीने ओसाइरिस वो अभी भी इस मैदान पर है। INS के लिए मैच बहुत ज्यादा जरूरी था, निंजाओ एक बढ़िया शॉट, एडमिनो वो नॉक करे गए, सेम ओपन में पकड़े गए, पर इन सब के बीच में ओसाइरिस वो अभी भी इस मैदान में, पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो आए थे उनका समापन हुआ और आइकू सोल इस मुकाबले से उन्होंने 7 फिनिशेस निकाले। संभाल के रहे बॉबिन को बोलो, बस बॉबिन को बोल दो बस 10 किल दूर है, जॉन ही संभल के रहे, जॉन के ऐसे 10 किल दूर है, संभल के रहूंगा। हां भाई संभल के रहते, सिर्फ 4 किल पीछे है, इससे भी बच के रहूंगा, मैं भी 4 किल पीछे इससे भी बच के रहूंगा। ओमेगा सिट बनाए क्या? अरे यार अभी मैच होने वाला, मैं ट्रेनिंग करके आता, मुझे लगा ट्रेनिंग। अरे कितना करेगा, इतने ऊपर तक पहुंच गया तो मैं भी नहीं कर रहा ट्रेनिंग, वैसे तो मेरा कुछ होगा नहीं ट्रेनिंग से भाई, क्या फायदा क्लास के यार, CGX WSBX कोई एक्स वैक्स नहीं है भाई, अब सब एक्स ही है, सब एक्स अब सब एक्स है। होटल कब ज्वाइन कर रहे हो ओमेगा? इतने समझ रहा, इतने बड़े सपने मत दिखा यार तू भाई। पुष्कर मिश्रा थैंक्स फॉर व्हाट द फूल ओमेगा फूल अक्षर रोना आ गया भाई।